अभी खबर है कि सिंध हाई कोर्ट ने सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। केस में मुलव्वस मुलजिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील कर दी गई है, जबकि बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस में मुलजिमान की सजा के खिलाफ 18 साल बाद अपीलों पर फैसला सुना दिया है। केस का फैसला जस्टिस के आगा और जस्टिस जुल्फिकार सांगी पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। अदालत ने सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस में मुलव्वस अहमद उमर शेख की सजाए मौत को 7 साल कैद में तब्दील कर दिया है। अदालत ने कहा है कि अहमद उमर शेख पर अगवा का इल्जाम साबित हुआ, डेनियल पर्ल के कत्ल का इल्जाम किसी मुलजिम पर साबित नहीं हुआ, जिस पर दीगर तीनों मुलजिमान को बरी किया जाता है। बरतानवी शहरी रखने वाले मुलजिम अहमद उमर शेख को अदालत ने अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस में सजाए मौत का हुक्म दिया था। मुलजिम फहद सलीम, सैयद सलमान साकिब और शेख मोहम्मद आदिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी थी। मुलजिमान को इंसदाने दहशतगर्दी की अदालत ने 15 जुलाई 2002 को सजा सुनाई थी। मुलजिमान पर अमरीकी सहाफी डेनियल पर्ल को अगवा बराए तावान और कत्ल का इल्जाम था। डेनियल पर्ल अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल, जनूबी एशिया रीजन के ब्यूरो चीफ थे। मुलजिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें 2002 से तातुल का शिकार थीं।